स्प्लिटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस फीस रिफर्स दर्नर विच द पेमेंट इज बीव फॉर अट सर्विस इन रिटर्न पेड आउट बिकॉज ऑफ सम प्री अरेजमेंट अग्रीमेंट और कोअर्शन लाइक जब भी एक फी जो है वो पे की जाती है किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी सेंटर में जाके किसी साइकोथेरापिस्ट के प्राइवेट ऑफिस में जाके

उस हॉस्पिटल का जो सेटअप है वो उसकी मैनेजमेंट ने बनाया है जिसके ऊपर उस प्रोफेशनल ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया हिज ओनली ब्रिंगिंग हिज सर्विस देयर तो वहाँ पे प्रॉबली कोई अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो सिक्सटी परसेंट रख रहा है उस फी का और जो साइकोथेरेपिस्ट है वो फोर्टी परसेंट रख रहा है सेम एज इफ जैसे बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स डिफरेंट हॉस्पिटल्स या सेंटर्स में बैठते हैं और वो फोर्टी परसेंट लेते हैं फीस का और सिक्सटी परसेंट हॉस्पिटल रखता है ये यही केस जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ भी हो सकता है कि वो जो ओवरऑल फी चार्ज करे है में क्लाइंट यूजली रिमेन आन अवेयर ऑफ द अरेजमेंट एंड अनफॉर्चुनेटली फीस स्प्लीटिंग मे एगिस्ट इन कॉम्पलेक्स एंडल फॉर्म्स अकरिंग अब क्लाइंट को तो ये इतनी डिटेल्स नहीं बताई जा सकती कि आपकी जो फी है उसमें से कितना टैक्स कट रहा है कितना कंज्यूमेबल्स पे जा रहा है कितना एडमिनिस्ट्रेशन रख रही है और कितने पैसे जो हैं वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो चार्ज कर रहा है अपेरेंटली शायद उसके लिए ये हो कि मुझसे फोर चार्ज किए गए हैं बट मे बी इट्स ओनलीफ्टीन हंड्रेड विच गोज इन टू द पॉकेट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आफ्टर एन आवर लॉन्ग एंड लेंथी एंड सेशन Traditionally, nearly universal agreement existed among medical and mental health professionals that such practices are unethical. Now, this is something very important to understand that traditionally, isko unethical samjha is unethical. That you can't do this kind of arrangement, but and mainly because they may inhibit a true appropriate referral in the client's best interest. Because the client's interest hai, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ और होगा मे बी उसके पास टाइम ना हो लेकिन वो इतने क्लाइंट्स बुक कर ले जिनको वो शायद टाइम भी ना दे सके सो दिस इज समथिंग नीड टू बी वेरी कैटेगोरिकली माइंडफुली टू बी लुक इन टू रिजल्ट इन डिलीवरी ऑफ अनिडिड सर्विसेज अगर आप बहुत सारे क्लाइंट बुक कर लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उनको प्रॉपरली सही तरीके की सर्विस प्रोवाइड करना या आप मे बी उनको इनके uh, पेबल लोगों से सर्विस प्रोवाइड करवा रहे होंगे जिसकी उनको ज़रूरत नहीं होगी एंड इट लीड टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड जनरली एक्सप्लाइड द रिलेटिव इग्नोरेंस ऑफ द क्लाइंट सो इन रिटर्न टू ऑल दीज थिंग्स उस क्लाइंट की जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉबली इग्नोर हो रही होगी या आप उसको कोई ऐसा प्रोफेशनल थेरेपिस्ट दे रहे होंगे जो अभी बिल्कुल लर्निंग फेज पर होगा जिसकी अभी रिसेंट डिग्री हुई होगी जिसका हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो उन क्लाइंट्स के ऊपर अपना एक्सपीरियंस कर रहा होगा

वन कैन फाइंड द रेंज ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस विद वेर इंसेंटिव जैस जेट रेस एथिकल क्वेश्चन अब इस सारे कॉन्टिनियो में इस पूरे पायरामिड में जहाँ पर हम लोग फी को मैक्मम uh, से लेके मनीम तक स्प्लिट करते हैं यहाँ पर बहुत सारी बिजनेस अपॉरचुनिटीज मैंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए अरयज़ हो सकती हैं जहाँ पर वो बहुत सी अनथिकल प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व होने का चांस रखते हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्टिन्यू मैम वी फाइंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉ रिलेशनशिप इन विच वन पार्टी हायर एन अदर टू परफॉर्म सर्विस लेकिन अगर हम जहाँ पर भी एक फ्री uh, स्प्लिटिंग की बात करेंगे वी विल ऑलवेज़ फाइंड दैट वन पर्सन इज़ एन एम्प्लॉयर एंड अदर परसन इज एन एम्प्लॉई एम्प्लॉयर वो होगा जिसका सेटअप होगा एम्प्लॉ वो होगा जो वहाँ पर जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा एंड उसके लिए uh, काम कर रहा होगा एट द अदर हैंड एंडमेंट इन विच द परसन मेकिंगनी सोल्ली फॉर सेंडिंग बिजनेस टू अनाथर और इसी तरह हमें एक साइड के ऊपर ये सिचुएशन नज़र आती है कि एक इंडिविजुअल सिर्फ इस चीज़ के पैसे ले रहा है क्योंकि वो दूसरे लोगों को रेफरल्स प्रोवाइड करा है यानी कि एक सेंटर है जैसे कि हम एक कोचिंग सेंटर की बात करते हैं कि अब वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें और अपनी मर्जी का जो टीचर है वो हायर कर लें जो ओ लेवल्स को पढ़ा सकता हो जो एम मैथ्स को पढ़ा सकता हो जो पी में आपको गाइड कर सकता हो तो सेंटर बेसिकली खुद कुछ नहीं कर सकता लेकिन वो आपको टीचर्स प्रोवाइड करके दे रहा है जो कि डिफरेंट एक्सपर्टीज रखते हैं इसी तरह ये एक सेंटर है जो खुद आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता लेकिन वो आपको ये हेल्प कर रहा है कि वो बहुत सारे लोगों के रेफरल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है कि इस चीज़ के लिए आप ये काउंसलिंग लें इसके लिए आप ये वाले एक्सपर्ट से रब्ता करें और एल्डरली क्लियर के लिए आपको यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी तो आई मीन इस तरीके से वो सिर्फ एक मतलब मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी भी उनके लिए बन सकती है सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्टिन्यूम ऑन विच वी कैन एक्सप्लेन द फी स्प्लिटिंग दैट ऑन वन साइड इज अनदर अदर एंड एट अदर अदर एंड वी कैन सी अ डिफरेंट पिक्चर